अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे दूसरी जमात की गुलदस्ता है उर्दू। सफ़ा नंबर 15, सबक कायदे आज़म रहमतुल्ला। बच्चों हम कायदे आज़म की तस्वीर देख सकते हैं। बच्चों कायदे आज़म कौन थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। हमारा प्यारा पाकिस्तान कायदे आज़म रहमतुल्ला की कोशिशों से बना है। बच्चों हमारा प्यारा पाकिस्तान कायदे आज़म रहमतुल्ला की कोशिशों से बना है। आपका नाम मोहम्मद अली जिन्ना था। बच्चों कायदे आज़म का नाम मोहम्मद अली जिन्ना था। आप कराची में पैदा हुए। बच्चों कायदे आज़म कराची में पैदा हुए। कायदे आज़म रहमतुल्ला को मुसलमानों से बड़ी मोहब्बत थी। बच्चों कायदे आज़म रहमतुल्ला को मुसलमानों से बहुत मोहब्बत थी। पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। बच्चों पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। अंग्रेज़ मुसलमानों के साथ बहुत बुरा सलूक करते थे। बच्चों अंग्रेज़ जो थे वो मुसलमानों के साथ बहुत बुरा सलूक करते थे। कायदे आज़म चाहते थे कि मुसलमान आज़ाद हो जाएं। कायदे आज़म चाहते थे कि मुसलमान आज़ाद हो जाएं, इनका अपना वतन हो। कायदे आज़म रहमतुल्ला ने 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनाया था। मुसलमान इन्हें कायदे आज़म कहते थे। बच्चों कायदे आज़म का मतलब बहुत बड़े रहने। बच्चों कायदे आज़म का मतलब है बहुत बड़े रहनुमा। पाकिस्तान बनने के बाद भी वो चैन से ना बैठे। बच्चों कायदे आज़म पाकिस्तान बनने के बाद चैन से ना बैठे। पाकिस्तान की तरक्की के लिए रात दिन मेहनत की। बच्चों पाकिस्तान बनने के बाद वो चैन से नहीं बैठे और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए रात दिन मेहनत की। पाकिस्तान बनने के एक ही साल के बाद इनका इंतकाल हो गया। बच्चों पाकिस्तान बनने के बाद इनका एक ही साल के बाद यानी कायदे आज़म का एक ही साल के बाद इंतकाल हो गया। इंतकाल कहते हैं वफात को और रहालत को। इन्हें कराची में दफन किया गया। कायदे आज़म को कराची में दफन किया गया। लोग इनके मकबरे पर अदब और एहतराम से जाते हैं और फातिहा पढ़ते हैं। बच्चों कायदे आज़म का मज़ार कराची में मज़ार कायद बोलते हैं और कायदे आज़म का मज़ार भी कहते हैं। लोग इनके मकबरे पर जाते हैं अदब और एहतराम से और फातिहा पढ़ते हैं। कायदे आज़म रहमतुल्ला बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे। बच्चों कायदे आज़म बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे। वो बच्चों से कहते थे अपने बड़ों और उस्तादों का अदब करो। वो कहते थे कि बड़ों और उस्तादों का अदब करो, मेहनत से इल्म हासिल करो। बच्चों वो कहते थे कि मेहनत से इल्म भी हासिल करो, अपने वतन से प्यार करो और अपने वतन से प्यार करो। बच्चों आपस में मिलजुल कर रहो और आपस में मिलजुल कर रहो। बच्चों हर एक से अच्छा सलूक करो और बच्चों हर एक से अच्छा सलूक करो। हमें चाहिए कि हम कायदे आज़म की बातों पर अमल करें। बच्चों हमें भी चाहिए कि हम कायदे आज़म की बातों पर अमल करें, दिल लगाकर मेहनत करें। और बच्चों दिल लगाकर मेहनत करें, अपने वतन की खिदमत करें और अपने वतन की खिदमत करें और इसकी खातिर हर कुर्बानी देने को तैयार रहें। और बच्चों उसकी खातिर अपने वतन की खातिर हर कुर्बानी देने को तैयार रहें। बच्चों अब हम काम करेंगे उर्दू की कॉपी में। सबसे पहले पेज पर टाइटल पेज बनाएंगे कायदे आज़म रहमतुल्ला का। अब बच्चों हम मुश्किल अल्फाज करेंगे दूसरे पेज पर। पहला अल्फाज वतन, दूसरा अल्फाज आज़ादी, तीसरा अल्फाज रहनुमा, चौथा अल्फाज मेहनत, पाँचवा अल्फाज एहतराम, छठा अल्फाज तरक्की। बच्चों हमने मुश्किल अल्फाज कर लिए, अब हम सवाल जवाब करेंगे। बच्चों अब हम सवाल जवाब करेंगे। पहला सवाल, कायदे आज़म रहमतुल्ला कहाँ पैदा हुए थे? बच्चों जवाब, कायदे आज़म रहमतुल्ला कराची में पैदा हुए थे। दूसरा सवाल, कायदे आज़म रहमतुल्ला का मतलब क्या है? बच्चों जवाब, कायदे आज़म रहमतुल्ला का मतलब बहुत बड़े रहनुमा। तीसरा सवाल, पाकिस्तान कब बना था? जवाब, पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना था। शाबाश बच्चों, अब हमने सवाल जवाब कर लिया। अब हम तीसरे पेज पर खाली जगह करेंगे। पहला कायदे आज़म रहमतुल्ला का नाम डैश था, डैश में मोहम्मद अली जिन्ना। दूसरा कायदे आज़म रहमतुल्ला पाकिस्तान के शहर डैश में पैदा हुए। कहाँ बच्चों? डैश में, कराची। तीसरा कायदे आज़म रहमतुल्ला को डैश से बहुत मोहब्बत थी। डैश में बच्चों मुसलमानों से बहुत मोहब्बत थी। चौथा पाकिस्तान बनने से
पहले अंग्रेज़ मुसलमानों के साथ डैश करते थे, डैश में बच्चों बुरा सलूक करते थे। पांचवा, पाकिस्तान बनने के 10 साल बाद कायदे आज़म रहमतुल्ला रहालत माने इंतकाल, बच्चों यानी वफात फरमा गए, बच्चों डैश में 1 साल के बाद रहालत फरमा गए। अब अल्फाज जुमले करेंगे बच्चों। पहला, बचपन कायदे आज़म रहमतुल्ला का बचपन बहुत अच्छा था बच्चों। दूसरा, मोहब्बत, हम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। तीसरा, रहनुमा, कायदे आज़म रहमतुल्ला एक असीम रहनुमा थे। चौथा, पाकिस्तान हमारा प्यारा वतन है बच्चों। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।